एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना ख़राब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, यह कैसा जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर यह सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार यह हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आँखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि यह तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करने पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, यह तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेज़ी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से बचकर, तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरे को दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपने गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए।